हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है उधेली, जो कि सुजाता भट्ट के द्वारा लिखा गया है। सुजाता भट्ट ने इसमें डिस्क्राइब किया है वुमेन की पीरियड को, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वुमेन की, उसको, जो मासिक धर्म है उसको डिस्क्राइब किया है। और उसमें इसने ये बताया है कि जो हमारी जो सोसाइटी में इस तरह के रूल है, जो कि वुमेन को पेन में भी और टॉर्चर किया जाता है। इस दौरान जो वुमेन होती है वो फिजिकली तो वैसे भी पेन में होती है, परेशान होती है, ऊपर से उसे मेंटली और इमोशनली भी टॉर्चर किया जाता है। ये जो रूल बनाए गए हैं सोसाइटी के द्वारा, उन उनके जरिए उसे और ज़्यादा परेशान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं सुजाता भट्ट के बारे में। जो सुजाता भट्ट है उसका जन्म हुआ था अहमदाबाद में, और जो बड़ी हुई थी पुणे में, और उसके बाद में अभी वो रहती है जर्मनी में अपने जर्मन हस्बैंड के साथ में। तो फ्रेंड्स, अगर सुजाता भट्ट की नोटेबल वर्क की बात करें तो उसने 1988 में ब्रूनी जे ने कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़ जीता था। उसके बाद में 1991 में मंकी सेडो ने भी प्राइज़ जीता था। उसके बाद में 1994 में द स्ट्रीट किंग रोज ने भी प्राइज़ जीता था। तो ये सब इसके नोटेबल वर्क है। तो फ्रेंड्स, उधेली जो पोइम है, एक शॉर्ट पोइम है जिसकी शुरुआत होती है ओनली पेपर एंड वुड आर सेफ। तो जो पोइटेज है वो ये कहकर इस पोइम की शुरुआत करती है कि जब एक वुमेन का मासिक धर्म आता है, उस दौरान उसे इस तरह के रूम में रखा जाता है जहाँ पर पुराने पेपर रहते हैं और जो लकड़ी का टूटा फूटा फर्नीचर रहता है, और उन्हें ही वो सिर्फ टच कर सकती है, उनको ही हाथ लगा सकती है, क्योंकि उस दौरान उसे प्योर नहीं माना जाता। तो केवल यही चीज़ें हैं जिनको वो छू सकती है, हाथ लगा सकती है। आगे जो पोइटेज है वो एक उसके जो हस्बैंड है फीमेल का, उस पर कमेंट करते हुए बोलती है कि उसका जो हस्बैंड है उसके लिए एक स्पेशल रूम बनाता है उस टाइम के लिए। और वो जो रूम है वो जहाँ पे गाय को बांधा जाता है उसके नज़दीक रहता है, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो मेल डोमिनेट सोसाइटी है। इसमें जो पुरुष होते हैं उन्हीं को बेहतर माना जाता है, जो वुमेन होती है उनकी स्थिति जानवरों की जैसी है। और जो एक महिला है वो वही काम कर सकती है जिसमें उसका जो हस्बैंड है, उसका जो जो पुरुष होते हैं वो जब उस काम की मंजूरी देते हैं वही काम है जो एक फीमेल कर सकती है, अदरवाइज वो काम है वो नहीं कर सकती। तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, जब तक कि एक पुरुष की मंजूरी ना मिले तब तक ना वो पढ़ सकती है ना है वो लिख सकती है। अब अगली जो स्टेंजा में पोइटेज बताती है कि जब वुमेन का पीरियड आता है तो उसे उस रूम में रखा जाता है जो जहाँ पे गायें वगैरह बंधी रहती है, उस रूम के जो पास में एक कमरा बना रहता है वहाँ पे उसे अकेला ही रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, और उसके पास में वहाँ पे कंपनी देने के लिए कोई नहीं होता बजाय कि स्टार्स के, यानी जो तारे होते हैं वही उसे उस दौरान कंपनी देते हैं। तो उस दौरान उसके साथ सिर्फ और सिर्फ स्टार्स का ही साथ होता है और उसके पास में कोई नहीं होता। तो यहाँ पे जो स्टार्स की कंपनी से मतलब ये है कि क्योंकि वो वहाँ पे सो नहीं पाती, उस रूम में वो बिल्कुल भी सो नहीं पाती, क्योंकि छोटा सा रूम है और छोटी सी उसकी छत है और बेड है नहीं सोने के लिए, और बुक से भरा पड़ा है, जो भी पुरानी पुस्तक है उनसे भरा पड़ा है, और गंदे न्यूज़पेपर पड़े हैं उस रूम के अंदर। तो इस वजह से वो सोने में अनेबल होती है, सो नहीं पाती, तो वो स्टार के साथ ही अपनी जो पूरी रात है वो बिताती है। यहाँ पे जो स्पीकर है वो ये कहना चाह रही है कि वो जो रूम है एक स्टोर रूम है जहाँ पे अनयूजफुल चीज़ें पड़ी है, पुराने न्यूज़पेपर, गंदे फर्नीचर, टूटे हुए फर्नीचर, वहाँ पे उस वुमेन को रखा जाता है जैसे कि वो भी एक अनयूजफुल थिंग हो गई हो, जैसे कि वो किसी काम की नहीं रही हो, ठीक वैसे उसको रखा जाता है।
जो पुरुष है वो ये सोचता है कि अब वो उसके किसी भी काम की नहीं रही उस दौरान, और वो उसी डस्ट और जो यूजलेस चीज़ें हैं उनके जैसे लेता है, उनके जैसे समझता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पोइटेज है उसके कहने का मीनिंग ये है कि जब जब वुमेन तो फ्रेंड्स, एक जो महिला होती है वो अपनी पूरी फैमिली की केयर करती है, लेकिन जब उसकी केयर करने की बारी आती है तब उसे अकेले ही उसके पेन के साथ में एक अकेले कमरे में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे वो पहले से फिजिकली तो परेशान होती है, फिजिकली वो टॉर्चर है, पेन में है, लेकिन उसके साथ साथ उसको इस तरह के बिहेव से उसे मेंटली और इमोशनली भी टॉर्चर किया जाता है। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो भी रूल्स हैं वो एक वुमेन के खिलाफ ही जाते हैं, जैसे कि एक माँ बनना, मदरहुड एक जो वुमेन होती है उसकी एक स्ट्रेंथ है, लेकिन उसको भी इस तरह से ट्रीट किया जाता है, उसे उसकी वीकनेस बना दिया जाता है। क्योंकि जो ये रूल है वो इस तरह से बनाए गए हैं जहाँ पे हर बार यही एहसास करवाया जाता है कि जो फीमेल है वो कभी भी एक मेन को कम्पीट नहीं कर सकती, वो वीक है। और ये जो सोच और ये जो साइकोलॉजी है वो ही वुमेन को मेन के बराबर हक देने में, अधिकार दिलाने में रोकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।